बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं आई। आई जो है वो एक सीधी लाइन लिखी जाती है और छोटा लोअर केस आई जो है उसके ऊपर एक नुक्ता लगाया जाता है। ये है एक सीधी लाइन कैपिटल आई की और ये है लोअर केस आई। बहुत आसान है लिखना। आई से शुरू होती है इंक। इंक जिसे हम लिखते हैं, इंक को उर्दू में कहते हैं रोशनाई। रोशनाई और मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा रोशनाई। और आई से शुरू होते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स जो हैं वो कीड़े मकोड़ों को कहते हैं। मसलन मक्खी, मच्छर, लाल बेग, चींटियां, ये सारे इंसेक्ट्स कहलाते हैं, कीड़े मकोड़े। काफ ये दे कीड़े मकोड़े। इसके अलावा इन इन इस्तेमाल होता है और आई से इल। अगर बीमार हो तो कहते हैं इन इल, इलनेस बीमारी को कहते हैं। उर्दू में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो आई के मुतबादिल हो, लेकिन आप देखें कि आई की साउंड जो है, जैसे इंक ई की आवाज़ है इन, और अगर आप इन के आगे जो है वो पहले पी लगा दें तो ये बन जाएगा पिन, और अगर इनसे पहले बी लगा दें तो ये बन जाएगा बिन, ठीक है। और अगर इन से पहले टी लगा दें तो ये बन जाएगा टिन। तो इन, पिन, बिन और टिन। तो इससे शुरू होता है इंक, इंसेक्ट्स। इन इलनेस जो है वो बीमारी को कहते हैं। बीमारी जो है उर्दू में लिखते हैं बे ये मीम रे छोटी ये। अगर हम इसको मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा बे का, बे की आधी शक्ल ये का शोशा, फिर हमने मीम बनाई, फिर हमने अलिफ बीमारी, ठीक है।